सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका डे टू डे का काउंसलिंग के बारे में। तो आज जो है आपका डे टू डे का काउंसलिंग का लास्ट डेट है और अभी तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो यदि आप शाम तक वेट कर सकते हो तो कीजिए रिजल्ट का। और ऐसे तो उम्मीद कम है कि आज आप लोग का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके मन में ये ख्याल आ रही होगी सर कि हम लोग क्या करें, और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना भी था सर कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप काउंसलिंग को अटेंड कीजिए या फिर काउंसलिंग को छोड़ दीजिए। यदि आप काउंसलिंग को छोड़ देते हो तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई तुक नहीं है, तो आप यहाँ से इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हो। और यदि आपको मन में है कि अपने को डे टू डे का काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए, तो आप देखा जाए अभी जो जेयूटी ने जो आपको कंस्टेंट दिया हुआ है उस कंस्टेंट के हिसाब से आप तो डे टू डे का काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका अभी तक फाइनल ईयर का मार्क्स नहीं आया हुआ है। तो अब आपके मन में ख्याल आ रही है कि हम करें तो करें क्या। तो मेरे हिसाब से यदि मैं आपके जगह पर रहता तो मैं अपने दोस्तों को बोलता कि काउंसलिंग को किसी भी तरह से रुकवाओ। तो देखिए, काउंसलिंग को रुकवाने का दो तरीका है, या फिर जेयूटी आपको एक्सटेंशन दे दे, या फिर आप जेयूटी पे इतना प्रेशर डाल दो कि उसे एक्सटेंशन देना पड़े। समझ पा रहे हो? क्योंकि जेयूटी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाया हुआ है, और ये जो अभी जो सिनारियो है पूरा का पूरा जो दोष है वो जेयूटी पे है। तो आपको अभी ये करना चाहिए ना कि आपका जो आईडी है उस आईडी से आप लॉगिन कीजिए और आप फॉर्म को फिलअप कीजिए, और सिक्स सेमेस्टर का जो मार्क्स है, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का जो मार्क्स है, वो आपको जो लग रहा है कि हाँ मेरा ये मार्क्स आ सकता है, या फिर आप हो सके तो इतना ज्यादा मार्क्स को बढ़ा दीजिए। आपका मान लेते हैं कि फिफ्थ और सिक्स में 80% आता, तो आप उसे सीधा 90% करवा दीजिए। और आप सभी को करो, कोई एक मत करना, आप सभी को ये काम करो। और करो ना कि ऐसा आप मार्क्स डाल दो वहां पे कि सीट जो हो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के नाम पे हो। सीट जो अलॉट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पे होना चाहिए? फाइनल ईयर के। तो इससे होगा क्या, जैसे आपका सीट फाइनल ईयर के नाम पे अलॉट हो जाएगा और आप लोग के नाम पे सीट अलॉट हुआ, और कोई भी स्टूडेंट एडमिशन करवाने नहीं जाएगा, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। और आप वहां पे एक जेयूटी से ये डिमांड कर सकते हो कि सर हम लोग का रिजल्ट जल्दी से अनाउंस कीजिए। अब देखिए, बात उठती होगी कि सर तो फिर इससे फायदा क्या होगा, जब हम लोग फेक डेटा डाल ही दिए हैं तो फिर अपने को इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, फायदा आपका ये होगा यदि आप जेन्युइन में आपके उतने मार्क्स आते हो और आप उस कैटेगरी पे से बिलोंग्स करते हो, तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट हो जाए, क्योंकि आप लोग प्रेशर डालोगे कि फिर से काउंसलिंग करवाएं, तो जेयूटी इसके बारे में सोचे। और मैं यहाँ पे ये सियोरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि आप लोगों का जेयूटी फिर से काउंसलिंग करवाएगा या फिर नहीं करवाएगा, बट हाँ एक ऑप्शन हम लोग के पास रह सकता है, हम लोग फिर से काउंसलिंग करवाने के कगार में पहुंच सकते हैं और फाइनल ईयर के जितने स्टूडेंट हैं उसको बेनिफिट मिल सकता है। पर इसका एक मतलब बोलते हैं ना, इसका जो ये पॉजिटिव साइड है उसका एक नेगेटिव साइड भी है। यदि जेयूटी आपका फिर से काउंसलिंग नहीं करवाता है तो आपका पूरा का पूरा जो सीट है ना वैकेंट हो जाएगा, और खास करके जो स्टूडेंट पास आउट है उनको दिक्कत होगा। ये जो स्टेप है उससे पास आउट वाले स्टूडेंट को दिक्कत होने वाली है। तो यदि आप ये चाहते हो और यदि आप अपने बारे में सोच रहे हो तो आप ये चीज कर सकते हो। अदरवाइज एक ही ऑप्शन है कि आप सभी को नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना चाहिए। तो ये मेरे तरफ से सजेशन है, आपको जो करना है। आप लोग आई होप कि इतना समझदार हो गए, और हाँ ये आइडिया कैसा है बताना जरूर, अच्छा है बुरा है जो भी है बताना जरूर। तो मेरे तरफ से डी टी डू काउंसलिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक।